यार मेरी शेप लेने के बाद हमने ये अपना तो क्या कहते हैं सर्कल या डिफरेंट डिफरेंट नाम स्पेयर स्पेयर लेना है। स्पेयर जब हमने ले लिया अब ये 3D स्पेयर है ठीक है 3D व्यू है इसका। हम इसमें कैनवस को बंद कर सकते हैं यहाँ पे। हमने कैनवस को ऑफ कर दिया, हम कैनवस नहीं करेंगे ठीक है। कैनवस कहाँ पे ऑफ होगा, यहाँ पे ऑफ होगा। अब हम क्या करेंगे स्टिकर में जाएंगे। स्टिकर क्या है बेसिकली ऐसी तस्वीर जो कि उसके ऊपर पेस्ट की जा सके। ऐड स्टिकर में जाएंगे। मैंने पहले से नेट से एक मैं देख लेता हूँ मैंने स्टिकर वर्ल्ड वाला कहाँ रखा हुआ है। अगर नहीं हुआ तो डाउनलोड करके दिखाऊंगा मैं वर्ल्ड 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 स्टिकर। तो हम क्या करेंगे सिंपली क्रोम में जाकर लिखेंगे वर्ल्ड मैप ओके। वर्ल्ड मैप लिख दिया मैंने सर्च करा गया इमेज में गया मैंने। सर्कल में कुछ नहीं लेना सर्कल तो ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते तस्वीर क्लिक कर लेते इसको खोल लेते तस्वीर को। अगर कोई चीज सेव ना हो पा रही हो तो हम ये देखो सेव एज इमेज करने की कोशिश करते हैं ये नहीं हो पा रही। हम क्या करेंगे वो जो हमारे पास स्क्रीनशॉट कैप्चर करने की की है ऑल्टर शिफ्ट विंडो शिफ्ट एस सॉरी विंडो शिफ्ट एस किया मैंने और मैंने इसकी एक क्लिप आर्ट बना ली यहाँ पे ठीक है। पूरे की जरूरत नहीं है। और पेंट में जाके जो नॉर्मल पेंट है नॉर्मल पेंट आपको बात समझ में आ रही है। नॉर्मल पेंट में पेस्ट कर दिया नॉर्मल पेंट में नॉट इन पेंट 3D इन पेंट। और किस चीज को हमने क्रॉप करा लिया तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ गया मैप आ गया मेरा। हमने कहा फाइल सेव है जेपीजी राइट समझ में आ रहा है। एंड कह दिया मैप इजी है सिंपली। यस सर। या तो तस्वीर सेव करा लो या इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो। कीबोर्ड में भी प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है ठीक है। कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का टॉप पे बटन होता है वो मैं आपको तस्वीर देख के भेज दूंगा ताकि आपको आसानी हो। अब हमने क्या करना है ग्लोब पे उसको लगाना है तस्वीर को। ये बार बार मुझे कॉल करना पड़ रहा है। एज स्पीकर पे जाना है जो आप ब्रश से करने की कोशिश कर रहे थे वो अच्छा था लेकिन एग्जाम्पल देख लीजिए। मैप दिया इधर कोई मैप आ गया। अब मैं मैप को स्केच कर रहा हूँ देख लियो तो समझ आया। हमारा ग्लोब बन गया। लेकिन अगर मैं उसको 3D में देखूं तो बहुत सारे मसले हैं। मसले क्या है जरा देखिए बैक साइड पर नहीं है ग्लोब क्योंकि ये जो टूल है ना हमारा ये इन सालों के लिए नहीं बना बेसिक के लिए बहुत बेसिक। अच्छा हम क्या करेंगे बैक साइड पर स्पीकर को स्पीकर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। हम दोबारा से क्लिक करेंगे स्पीकर मिला जाएगा हम फिर जोड़ देंगे उसको ठीक है। ये है तरीका इसके अंदर पे बेसिक क्योंकि बेसिक टूल है ये कोई 3D का एडवांस टूल नहीं है। इसमें आप बिल्कुल बेसिक किस्म की चीजें बना सकते हैं। उसमें भी मैंने बना लिया था अगर आपको याद हो उसमें भी मैंने बहुत मनी बना लिया। उसमें भी मैंने इतना खतरनाक कॉस्ट्यूम बना लिया गाड़ी बना दी ठीक है। क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा कि कैसे होगा ये देखो। अगर मैं इसको पकड़ू कोई बात नहीं दो दफा जवाब आ रहा है लेकिन एक एग्जाम्पल है। अगर मैं अब इसको जाके मेन्यू में जाके सेव है वीडियो तो ये देखो क्योंकि यहाँ पे रोटेट कनेक्ट है टर्न लेबल तो ये घूम रहा है। स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं जूम भी कर सकते हैं स्विंग भी करा सकते हैं इसको। इस तरह बहुत जो कुछ इसके अंदर अवेलेबल है वो हम करा सकते हैं ठीक है। तो ये तरीका है लेकिन हमने सर ठीक हमने अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग का बिल्कुल अलग है ना ए समझ लो। हमने सीखना है जो हमने सीखना है वो इस तरह की ड्राइंग है नजर आ रहा है। इस तरह की ड्राइंग जब आप इस तरह की ड्राइंग कर पाएंगे तो आप पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ हम पैसे कैसे कमा सकते हैं सिर्फ इन चीजों को यूज करते हुए। जो मैं करता हूँ मैं पैसे भी कमाता हूँ
और मैंने बोला शटम स्टॉप मुझे किधर गया भाई शटम स्टॉप यार इतना फन मोमेंट है मुझे सारी देखती है शटम स्टॉप आप तो लाइक मेरा मीट कितना खपन मुझे शटम स्टॉप शटम कंट्रीब्यूटर का मेरा अकाउंट है इसमें 5 तस्वीरें देनी होती है अभी आप बिल्कुल भी काबिल नहीं हो कि आप यहाँ पे काम कर सके ठीक है सॉरी ये देखो ये सारी मेरी बनाई तस्वीरें मैं दिखाता हूँ आपको और यहाँ पैसे भी देख लो $273 है जो तस्वीरें जो कमा चुका हूँ मैं और यूज कर चुका हूँ और तकरीबन $40 है जो मैंने अभी तक दिए नहीं है मैं चाह रहा था ये $100 हो तो मैं इसको निकाल दूं ठीक है ये देखो ये मैंने हैंड बनाया था आप समझ रही हो अच्छा अब ये देखो मैं आपको समझाता हूँ हमारा काम क्या है मतलब आपको सिखाना है ट्रेसिंग क्या सिखाना है ट्रेसिंग का बादशाह बनाना है ट्रेसिंग ट्रेसिंग क्या होती है किसी की भी तस्वीर को लेके किसी भी तस्वीर को लेके उसके ऊपर सेम एग्जैक्टली वैसा ही बनाना ये देख रही हो तस्वीर कितनी सिंपल है एक क्वालिटी ये मेरी अपनी फिंगर है मैंने अपनी फिंगर ली उसकी फोटो ली और जब हम ब्रश से चीजें बना ली उसकी दिखती है ये मुझे पैसे देती है बात समझ में आ रही है ये देखो ये मॉनिटर किस तरह की तस्वीरें बनाना ये है हमारा असल काम ये देखो मैंने हाथ से ड्रॉ किया था टेररिस्ट ये फाइल भी बहुत दिखती है ये टूल बनाना इस तरह का अपने माइंड से सोच के मैंने बनाया था देखो रेड वो पेंट कर रहा है ऐसा नहीं है ये रेड को पेंट नहीं कर रहा है ये रेड शेप एग्जैक्टली ग्रीन शेप के ऊपर पड़ा हुआ है और मैंने रबर से रब ऑफ कर दिया इस तरीके से और एक हाथ ब्रश वाला बना दिया ऐसा लगे कि ये ड्रॉ कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है इल्यूजन है ये फाइल भी दिखती है ठीक है लोग खरीदते हैं अपने ये देखो तोता बनाया था ये इस तरह की चीजें हार्ड बनाई थी तो ये सब हमने सीखना है तो ये पेज जो था वो बिल्कुल बिगिनर था बिगिनिंग था आपके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पेज जो है ना ये देखो इस तरह की कितनी स्मूथ है जिस तरह की ये तकरीबन तकरीबन 486 फाइल्स है ये देखो ये मैं खुद हूँ ये मेरा टूल है बहुत देखो ये मैं खुद हूँ मैं बहुत एडवांस टूल इस्तेमाल किया था अपना पीढ़ी बनाने के लिए मैं खुद हूँ अगर आप देखो कैसे गौर करो तो समझ आ रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ ये क्वालिटी चाहिए और ये बहुत आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं बगैर AI के मैं काम करता हूँ मैं हाथ से खुद ड्रॉ करता हूँ ये बहुत एडवांस चीज है इसका टूल ही अलग है मतलब 3D टूल है इसका बहुत एडवांस उसके लिए PC भी अच्छा चाहिए तो मैं खुद मैंने मुझे अपनी पढ़ाई है ठीक है ये मेरी प्रोफाइल का लेके Shutterstock DIFT आवाज देखना चाहो तो ये वही फ्लावर है जो मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा था और कोई फ्लावर सेल से लगे हैं ठीक है बिकने के लिए रख दिया ना काम दिखाने के लिए देखो सब कुछ मैंने हाथ से ड्रॉ किया है ये वाली चीज आपने सीखनी है तस्वीरें देखना तो तस्वीर बनानी आनी चाहिए ठीक है तो मैं मेरे पूरी कोशिश करूंगा आपको एक कॉन्सेप्ट देने का कि आप कैसे अच्छी वाली ड्राइंग कर सकते हैं और ये देखो अच्छी वाले ड्राइंग ये इलस्ट्रेटर पे बनी है लॉ इलस्ट्रेटर में हम फोटोशॉप सीखेंगे पहले फोटोशॉप सीखेंगे फिर इलस्ट्रेटर में काम करेंगे ठीक है पहले टूल को समझेंगे पहले टूल को समझेंगे अगर मैं दिखाने बैठ जाऊँ तो ये सारी बनाई हुई मेरी तस्वीरें हैं ये खत्म नहीं होती और इनका कोई कॉपी राइट नहीं है कि मैंने हाथ खुद बनाई है लोगों की चीजें देख देख कर खुद बनाई दिल दिया दिल का मैंने स्केच बनाया ये देखो रैबिट लिया रैबिट का मैंने स्केच बनाया इस तरह ये तकरीबन 2-3 साल का काम है मेरा 2 या 3 साल का काम है मेरा जो मैंने डाला है ये देखो डॉग बनाया था ये देखो ये बनाया डॉग तो ये कॉन्सेप्ट है अच्छा पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब चीजें जो है ना ये
पेंट में नहीं हो सकती। आपके पास अडोब फोटोशॉप डाला हुआ है ना, वर्किंग है, ऑन होता है, चाहे कोई भी वर्जन ऑन होता हो। तो ये देखो वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट देख रही हो। अच्छा अगर आपने देखना है कि कैसे होता है तो ये देखो तस्वीरें जो बिकती है ना, मेरी मंथली अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं कि मेरी तस्वीर क्वालिटी अभी भी अच्छी नहीं है, मेरा बहुत टाइम हो गया तस्वीरें बेचना छोड़ दिया। लेकिन ये देखो $60 मुझे इसके मिले, ये जो वॉच है इसके $60 मिले, ये किसी के लोग बिकवाते रहते थे ये उनकी है, टेररिस्ट के मिले देखो पैसे $2.5 इसके मिले, थोड़ा 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 दिखता है। वीडियो से बहुत पैसे होते हैं, एक वीडियो $15 की जाती है, जो ठीक ठाक पैसे बनते हैं। अभी तक ये इमेज है, वीडियो में आओ ना सारी अर्निंग मेरी वीडियो की, $80, $67, $10, $11, $4, यहाँ तक आते आते आपको जो तस्वीरें छूट जाएगी क्योंकि आप तस्वीर पर एंगेज कर रही होगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फोटोशॉप का एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि करना क्या होता है। तो ये मैं टीचर्स वगैरह के बैनर्स वगैरह बनाता हूँ, मैं इनसे पैसे देता हूँ। तो ये मैं आपको लेयर समझाना चाह रहा हूँ। पेंट में हमारे सिर्फ एक लेयर होती है और इसके अंदर बेतहाशा लेयर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई खुल जाए सही चीज, पता नहीं कोई सही चीज अभी मिल रही है मुझे, रुकना मैं देखता हूँ। ओके ना फाइल, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये पोस्टर बनाना, तो आपको पता है एक पोस्टर बनाने के मैं 1000 रुपीज चार्ज करता हूँ। ठीक है, 1500 से 1000 रुपीज चार्ज करते हैं हम लोग। तो आप चेक करो कि ये लेयर अलग है, देख रही हो, पेंट में ऐसा नहीं कर सकते आप, ये लेयर अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी चेक करो ना, आप बंद भी कर सकते हैं, ये लेयर अलग है और एडिटेबल है, यानी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये लेयर अलग है, बंदे की जो शक्ल है ये अलग है, नीचे ये जो पड़ा हुआ है ये अलग है, ये पीस अलग है, ये सर्कल का जो मैंने बनाया है ये अलग है, बैकग्राउंड अलग है, हर चीज पीसेस में है, समझ रही हो। ये एक तस्वीर भी बन सकती है और पीसेस पीसेस होती है कि क्लाइंट बहुत ज्यादा तंग करते हैं, वो कहते हैं ये कर दो, कलर चेंज कर दो, काला कर दो, नीला कर दो, पीला कर दो, आप कैसे करो कि अगर आप एक लेयर में हो आप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ये लेयर है, ये कलर इस पर पड़ा हुआ है, मैंने कहा नहीं मुझे तो भाई इसमें ना डार्क रेड चाहिए, मुझे नहीं भाई मुझे नहीं पता, मुझे डार्क रेड ब्लैक चाहिए, मुझे तो लाल कलर चाहिए, हलवाई कलर चाहिए, कोई भी अलग कलर चाहिए, मैं कैसे करूँगा। मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि हमने क्लास स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, मैं गया, मैंने बोला कि इसका ग्रेडियंट कर दो, मसला क्या है कि मैं दूसरी स्क्रीन से ला रहा हूँ तो थोड़ा सा अटक है। फॉर एग्जाम्पल मैं गया, मैंने कहा इसको रखो ब्लू, ये देखो ब्लू हो गया, जरा गौर से चेक करो ये ब्लू हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ अंडू होता है, कंट्रोल वाई करता हूँ रीडू होता है। ठीक है, कंट्रोल वाई से मेरा ब्लू की वो काम कर रहा है, लेकिन अंडू कंट्रोल जेड से होता है। ठीक है, रुको जरा मैं अभी चार्जिंग खत्म हो रही है, अच्छा ठीक। तो ये जो है हम किस तरह, ये कॉन्सेप्ट है इसका लेयर बाय लेयर काम करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बिल्कुल पेंट की फीलिंग आएगी, न्यू फाइल खोली हमने फोटोशॉप खोलने के बाद, इस तरह करके मैं पहले भी एक दफा आप लोगों को बता चुका हूँ, मुझे याद पड़ता है हमने क्या करना है, बताया है ना, ये अभी चीज तो बता ही दिया ना, कितना बोलो कुछ Yes, हाँ। तो ये देखो ये हमारे पास बिल्कुल पेंट का व्यू आता है, लेकिन ये पेंट बिल्कुल नहीं है, दिस इज स्टूडियो, ये एक स्टूडियो है, स्टूडियो का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब बहुत सारी चीजों का कंबाइन, आप इसमें एनिमेशन तक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ जा
पैनल आ जाएगा, आपने कहा इसको कलर कर दो येलो। आप देखो ये पेंट की तरह कि एक दूसरे में घुस नहीं रहा, एक दूसरे को काट नहीं रहा, बल्कि मूवेबल है। मूवेबल होने के बाद अलावा ये साइजेबल भी है। कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी एंड देन यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस। इसको छोटा कर सकते हैं आप। तो ये क्या हुआ, ये स्मॉल से स्मॉल। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल डी? कंट्रोल टी कंट्रोल ट्रांसफॉर्म सी टी, ये देखो कंट्रोल टी से एंटर पॉइंट आ गए। ये एंटर पॉइंट लोकेट भी होते हैं, ठीक है। और आप इवन ऑल्टर अगर सी दबा कर रखो, आप इसके लिए करके ऑल्टर की पर कंट्रोल सी से लगा कर रखो, देखो टेढ़ा आप नहीं की सकते हो पॉइंट को। यू रीडिंग देख रही हो, वो जो आप कार्टून देखती हो जिसमें उसकी आंखें इस तरह बनी हुई होती हैं, कार्टूनों की, जैसे आप वो देखो ऑगी एंड द कॉकरोचेस, वो इस तरह करके वो ये वाले मैथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैं इसमें एक और कॉपी नहीं, मैंने कंट्रोल टी किया। अगर मैं ऑल्टर दबा के मूव करूंगा, ये देखो अगर मैं ऑल्टर दबा के मूव करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगी नेक्स्ट लेयर में। क्या किया मैंने, ऑल्टर दबा के ऑल्टर की दबा के मूव किया तो उसकी कॉपी हो गई। अब मैं लेता हूँ सिंपल ब्रश, ब्रश टूल लेता हूँ, ब्रश टूल करता हूँ हार्डर साइज करता हूँ और मूव करके एक नई लेयर देता हूँ, क्योंकि शेप की लेयर में आप ड्रॉ कर रखे नई लेयर भी। और ये देखो ब्लैक से मैंने भावे बना दी। तो इसका कॉन्सेप्ट पेंट से बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन टूल लगते वैसे ही है। लेकिन बात होगी अब देखो उसमें रबर जो है ना, रबर पूरे बैकग्राउंड को भी मिटाएगी। ये देखो नहीं मिटा, नहीं मिटाएगी ना, साइज बड़ा कर देता हूँ मैं इसका बहुत। ये देखो मैंने इस पे उसी को मिटाएगी, ये जो शेप नहीं है, ये शेप है, ये बगैर शेप है, ये ब्रश है, ये खाली ब्रश को मिटाएगा, ठीक है। अगर मैं शेप पर जाके कहता हूँ अच्छा ये जो काले वाले पॉइंट पे, ये देखो एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये खाली शेप को इसको मिटाएगी जो पेंट से ड्रॉ हो रहा है। सो हमारे पास ब्रश की भी हजारों टाइप है, ब्रश है, पेंसिल है, कलर पेंसिल है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाओ, ब्रशेज में जाओ, तो देखो ब्रश कितने टाइप, क्लाउड अलग है। मैंने क्लाउड का नेट से डाउनलोड किया हुआ है, अगर मैं इधर क्लिक करूंगा ना, ये देखो ये ब्रश, ये देखो बादल बना, देख लो इतनी खूबसूरत पेंटिंग होती है। आप अपना पहाड़ लो और उसके ऊपर क्लाउड बनाओ, और कंट्रोल भी करके मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ, अभी तो गलत बना हुआ ना क्लाउड। ये देखो कुछ भी आप बना सकते हो, आपके पास ओपन हैंड है। अच्छा अब ये ऊपर आ रहा है, मैंने कहा मैं नीचे चले जाओ, लेयर जो नीचे होगी वो नीचे आएगी, जो ऊपर होगी वो ऊपर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं येलो को ऊपर ले आऊँ तो येलो ऊपर आ गया, ब्लैक छुप गया, राइट। अब ये देखो ये है समझो एक है लेयर बाय लेयर। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ ब्लैक को, ये देखो ब्लैक नीचे चला गया, अभी ब्लैक रेड के नीचे नहीं है। मैंने कहा अच्छा ब्लैक को मूव कर लो रेड के नीचे, ये देखो राइट के नीचे। मैंने कहा अच्छा इसको कर दो क्लाउड के पीछे, ये गायब हो जाएगा। गायब इसलिए नहीं हुआ, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो ब्रश की है ना वो काम है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी सॉलिड रखता ना, तो सॉलिड कलर रखो, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल दैट प्रेस करता हूँ, तो ये गायब हो गया। देखो सॉरी, तो ये इसके कॉन्सेप्ट है। आपको खाली समझना ये है कि ये लेयर क्या कर रही है, प्रॉपर्टीज को तो भूल जाओ। आपको हर दफा लेयर में आने, अगर आपको लेयर नहीं मिल रही, आपको लेयर को मोटे, फॉर एग्जाम्पल आपका ये पैनल उठ के गायब हो गया, आपने कहा ओहो मुझे तो डिक्लोज कर देता मतलब है ही नहीं, अब आप परेशान हो गए थे किधर गया, ये तो पेंट बन गया, ये भी बंद कर दो, चलो ये भी अवेलेबल नहीं है, फुल का जो बार है ये मैं निकाल के बंद कर देता, अब आप परेशान हो गए यार ये सब क्या हो गया, ठीक है। ये रोलर है, अगर आपको कोई चीज बहुत परफेक्ट बनानी होती है ना, तो आप ये रोलर इस्तेमाल करते हैं, सेंटर में आपको कोई चीज ड्रॉ करनी है, समझ में आ रहा है, ये मुश्किल है। ये रूलर वही रूलर का काम करता है जो रूलर आपके बैग में, सीधी लाइन खींचना, सीधे सीधे सेंटर में पेज पे लिखना वगैरह। आप यहाँ जाए विंडो में, आप यहाँ जाए वर्क स्पेस में, तो आप इसको रिसेट कर सकते हो, रिसेट असेंशियल। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये लेयर लिखा हुआ है ना, लेयर को क्लिक करोगे लेयर वापस आ गई, आगे लेयर वापस। अब हमने कहा यहाँ जाकर तो
टूल प्रेसेस कहते हैं, टूल भी वापस आ गया। ओ सॉरी टूल प्रेसेस नहीं, टूल है, सॉरी सॉरी सॉरी, टूल कहाँ भाई, ये रहा बिल्कुल नीचे, ये रहा टूल भी वापस आ गया, हमने उठा के इसको यहाँ रख दिया। हम अपनी मर्जी से टूल को निकाल भी सकते हैं, टूल को छोटा भी कर सकते हैं, कितना कंट्रोल है, कितना कंट्रोल है। अगर आप इन कंट्रोल समझ आ जाए और इनका मकसद समझ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा, मेरी कोशिश है क्या ज्यादा से ज्यादा समझा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ से रेक्टेंगल और इन करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आउटलाइन वाला, और इसमें अगर कोई कलर खींचना चाहता हूँ नई लेयर बना के, तो मैं यहाँ से बकेट लेके पेंट बकेट लेके उसमें तो कलर डाल सकता हूँ। कलर क्यों नहीं आया, अब चेक करना पड़ेगा मुझे, फोरग्राउंड पैटर्न नॉर्मल, क्या इश्यू हो गया भाई, क्यों तंग कर रहे हो भाई, चेंज था पता है ना, मैं देखता हूँ कभी क्या इश्यू हो रहा है, मैं कंट्रोल बैक प्रेस करूँगा तो। अच्छा भाई फोरग्राउंड का कलर पकड़ रहा है, ये देखो तो फोरग्राउंड ये वाला एरिया होता है और बैकग्राउंड ये वाला एरिया होता है, व्हाइट वाला जो है वो बैकग्राउंड चलाएगा, ये देखो कह भी रहा है सेट बैकग्राउंड कलर सेट फोरग्राउंड कलर, तो ऊपर फोरग्राउंड सेलेक्ट है ठीक है, और पता नहीं क्यों ही बैकग्राउंड दे रहा है ये डैश। तो अब अगर हम जो भी कलर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और तो बकेट को उससे क्लिक करेंगे तो वो कलर इधर आना चाहिए, आ रहा है। अच्छा एक और चीज इसकी चेक करो, मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट दबाता जाता हूँ कीबोर्ड पर, डिलीट मुबारक को आपने पहला शेप बना दिया, पहला वेक्टर नहीं है ये रास्टर शेप है। अगर आप इसके अंदर कंट्रोल प्लस करके जूम करेंगे तो आपको इसमें पिक्सल नजर आएंगे, ये पिक्सल है ठीक है, ये फट भी जाएगा अगर बहुत ज्यादा डिटेल में, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। ये सारी शॉर्टकट मैं आपको एक मिनट, मेरे पास वो था व्हाइट बोर्ड था, मैंने व्हाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट में बना के रखा हुआ जिसमें फोटोशॉप के सारे शॉर्टकट्स हैं ना, लेकिन वो मैं यूज करता मुझे तो याद है, बच्चों को डिलीट कर लिया ठीक है। इसी तरह आप ये वाला सर्कल बना के अगर मैं ऑल्टर दबाऊं, ऑल्टर दबा करके ये माइनस बना हुआ आ रहा है, ये देखो मैं इस पर माइनस कर रहा हूँ, मैं चार बना रहा हूँ बेसिक, मैंने क्या किया, पर अगर मैं व्हाइट चांद बनाता तो व्हाइट बैकग्राउंड पर तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, तो हम इसको कर देते कंट्रोल बैक स्पेस होती है शॉर्ट की होती है बैकग्राउंड पे कलर को डालने की, तो ये देखो चांद हो गया, मैंने बकेट ली, बकेट को मैंने बोला कि भाई ले लो व्हाइट कलर, मैं इतना रियलिस्टिक चांद इस पर बना सकता हूँ कैसे, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी हमेशा रखना ठीक है, ऊपर वाले को मैं कहता हूँ फिल्टर में ब्लर और कहता हूँ गैशियस ब्लर यानी गैस की तरह का ब्लर, तो ये देखो ये बहुत खराब हो गया, एक और ज़रा करता हूँ उसके मेरा पीसी हैंग हो रहा है बाहर, ये रहा गैशियस ब्लर, ये देखो गैशियस ब्लर प्रॉपर्टी बता रहा है थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, तो समझ आ रहा है। अब ये चार्ट ऐसा लग रहा है ग्लो कर रहा है और ये उससे ऊपर पड़ा है, मैं कहता हूँ चलो भाई नीचे करेगा थोड़ा, और ये एजेस बड़ी गौर से देखो तो तुम्हें ये जो एज है ना कि बड़ी रफ दिख रही है, मैं ज्यादा तो नहीं हो गया सिद्धरा, ज्यादा तो नहीं हो गया, बताओ माइक ऑफ करो बताओ, ये देखो इसमें ये एक और ब्लर भी पड़ा हुआ है, ये ब्लर क्यों, मैंने इसकी एजेस को भी ब्लर करा दिया, ये देखो चांद को ब्लर करा दिया ताकि एजेस जो है ना रफ ना है, एजेस हो गई ब्लर। तो हमारा पहला शेप क्या था, चांद, वो बन गया। तो मैं एक दफा रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि मैंने कैसे बनाया, मैं सब चीजों को हटा देता हूँ, उठा के डस्टबिन में भी डाल सकते हैं और डिलीट भी दबा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, हमने क्या किया सर्कल लिया, सर्कल भी उधर के ड्रॉ किया शिफ्ट दबा के ताकि सर्कल हमारे पास प्रॉपर आए, शिफ्ट दबा के किया, अगर शिफ्ट दबाओ तो ये प्लस चल रहा है ठीक है, शिफ्ट दबा के रखो की तो ये प्लस चल रहा है, इसमें एडिशन कर रहा है, ऑल्टर करो तो सब्ट्रैक्शन कर रहा है माइनस, मैंने इसे कटा हुआ चांद बनाना है तो मैंने इसको कर दिया माइनस, ऑल्टर दबाते ऑल्टर की दबा के रखी और ये हो गया माइनस, मैंने फिलहाल बैकग्राउंड कलर कॉन्सेप्ट क्या है, तो व्हाइट पर व्हाइट नहीं दिखता, हम अगर
व्हाइट नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा उसको कर दूंगा ब्लैक। सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल बैक से जैसे ही दबाया हमारे बैकग्राउंड का कलर हो गया। या अगर आपको कंट्रोल बैक पे की शॉर्ट की समझ नहीं आ रही, आपको पता है कि बकेट जो है ना फोरग्राउंड कलर लेता है, ब्लैक कर ये करके फोरग्राउंड कलर में चेंज कर दो, टेंशन खत्म। अब चांद लिया, चांद को मैंने डाला एक कॉपी ली और मैंने कहते वाले चांद को फिल्टर में जाती है, फिल्टर में बड़ा जबरदस्त इसमें एक फिल्टर मुझे पता है उसको कहते हैं गैशियस ब्लर, ब्लरिश गैस की टाइप का ब्लर, जो कि ऐसा दिखता है चांद। आप जब चांद को देखते हैं रात को, चांद में ऐसा लगता है ग्लो आया हुआ है, रिफ्लेक्शन होती है। हमने कहा गैशियस ब्लर, ब्लर को थोड़ा सा ये देखो ब्लर को हमने ओके कर दिया और उसको बैकग्राउंड में फेंक दिया और हमारे ऊपर चांद है और नीचे बैकग्राउंड। हमने कहा चांद जो है ना बहुत ज्यादा एजी सॉफ्ट है, क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे एक टूल है जो कि डॉट बर्न पंच इस तरह के टूल, एक टूल है ब्लर, ये कतरा का बना हुआ है शेप, मैंने ब्लर टूल इस्तेमाल करते हुए इसको हल्का से एजी से ब्लर कर दिया। अब आप चांद सितारे कुछ भी बड़े आराम से बना सकते हैं इसको, इस मेथड को यूज करते हुए। सितारा आप शेप नेट पे भी दे सकते हैं, कस्टम शेप भी आप नेट पे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसके ऊपर जो है ना एक उल्लू बैठा हो या कोई ये रेन डियर कर लेते, ठीक है, रेन डियर बैठा हो चांद के ऊपर, ये देखो जरा ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक है, ब्लैक दिख रहा है आपको, ऊपर भी ब्लैक है, ब्लैक पर ब्लैक कैसे दिखेगा, हम इसको व्हाइट करते हैं, ठीक है। आ गया रेन डियर, हमने चांद में इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा चेंज अच्छा लगे। अब क्लास कैंसिल होती है लगता है, ठीक है ना।